हेलो फ्रेंड्स, आपण मानंकु गुरुकुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम जो जल कृषि एवं मृत्तिका विभाग रे जो वैकेंसी बाहरी से विषय में आम डिटेल्स डिस्कशन करवा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने प्रथम थर पर यह चैनल को देखुं निहाती भाव नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाइबापी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो चलतु आज वैकेंसी विषय में आम डिटेल्स डिस्कशन करवा। तो फ्रेंड्स, यो चाकरी बाहरी यही चाकरी जो मैंने प्लस टू कर गोटे जब पकई पारे, जो मैंने प्लस थ्री करें पकई पारे, जो मैंने पीजी करें पकई पारे। ता अर्थ आज आम तीन प्रकार जब विषय डिस्कसन करवा, जोटा कि ओडिशा रे बाहरी, ओडिशा रो कोरापुट जिले में बाहरी, जोटा कि सुनाबेड़ा ठारे अच्छी। तो फ्रेंड्स देखु, यहीटा जो बाहरी एडवर्टाइज नंबर वन लिखाई, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर इंस्टीट्यूट वेबसाइट ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जोटा कि रिसर्च सेंटर सुनाबेड़े अच्छी, ता तरफर यही एडवर्टाइजमेंटा बाहरी। तो देखा आम डिटेल्स देखा क्वालिफिकेशन जाणीगले, तो क्वालिफिकेशन अनुजाई सैलरी आपणकर अच्छी, जो मैंने प्लस टू रु पकईबे से मैंने 15,000 टंका पाइबे, और प्लस थ्री जोटा अच्छी से बेसी सैलरी अच्छी, पीजी जोटा अच्छे से पाखापाखि 35,000 सैलरी अच्छी। तो कौटा केलेरी अच्छी से विषय में आम डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो फ्रेंड्स चलतु आज यही सेसन रे आम डिस्कसन करवा, कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार हम, कौन सब आपण को करवाक हम, एवं केबे यार लास्ट डेट अच्छी। तो फ्रेंड्स देखु, प्रथम कथा है तो यहाँ आपण को कौन करने पड़ो, स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट आपणकर डॉक्यूमेंट पठेवाक पड़ब, किंबा आपण जदि ईमेल रे पठेबा चाहिबे ताहेले ईमेल रे मध्य पठे पारिबे। तो ईमेल रो एड्रेस है आपणकर देखंतु IISWCDST@gmail.com, एही जो गारम दोउची एही ईमेल रे आपण पठे पारिबे। आउ लास्ट डेट केते अछि सेटा आमे देखिबा, लास्ट डेट अछि आपणकर 20 जुलाई 2021, 20 तारीख पर्यंत आपण एटा को अप्लाई करि पारे। तो एबे आमे देखिबा केते पोस्ट बाहरी, केते सैलरी अच्छी, कौन डिटेल्स क्वालिफिकेशन मागुची। तो देखंतु प्रथमे आमे देखिनबा, फास्ट जोटा मुझे कहूली जो मैंने पीजी पाई, पीजी रे कौन अच्छी पोस्ट ग्राजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस, तो ये देखा दरकार नहीं, मुझे खाली आपको कहीदेगी। देखो जूनियर रिसर्च फिलो, जूनियर रिसर्च फिलो रे किए पकई पार, पोस्ट ग्राजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस, बेसिक साइंस रे जे पोस्ट ग्राजुएट करे पकई पारे। तो क्वालिफिकेशन है जो मैंने जूनियर रिसर्च फिलो पकईबे, जूनियर रिसर्च फिलो जो मैंने पकईबे से मानकर क्वालिफिकेशन है कौन, पीजी को सब्जेक्ट रे पीजी इन बेसिक साइंस, बेसिक साइंस रे करिथिबे। आउ जो मैंने ग्राजुएट करिसंती, ग्राजुएशन जो मानकर अछि ग्राजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स, जो मैंने एग्रीकल्चरल फिजिक्स एग्रोनोमी रे, सोइल साइंस हाइड्रोलॉजी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग रिमोट सेंसिंग, ए सब्जेक्ट जो मैंने कौन कर ग्राजुएसन करकई पारे। एवं सैलरी के देखूँ 31,000 प्लस एचआरए दिहब, तापर आपणकर पखापाखि 35,000 टंका हेब है। एज हो, एज ग्रुप हो 18 रु 35 वर्ष। तो मु ईमेल आपंक आगर बतई देगी, से ईमेल आपड़ डाउनलोड कर फर्मटा पकई पारे। तो ये क्वालिफिकेशन है देखु, ला देखु ये आपणकर कौन हम, डेट एंड टाइम ऑनलाइन इंटरव्यू हेबो, कौन हम ये ऑनलाइन इंटरव्यू आपणकर 29 तारीख हम आपड़ पकईबे, तापर इंटरव्यू सीधा 29 तारीख देवे, से जी आप क्वालिफाय हेले ताहेले आपण से जॉबटा पाइबे। केवल ऑनलाइन इंटरव्यू हेबो, आउ किछि एग्जाम फेग्जाम हेबो नाही, तो सेटा हला मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा। तापर नेक्स्ट देखिबा, आमे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कौन अच्छे, दुई नंबर जॉबटा कौन अच्छी, दुई नंबर जॉबटा अच्छी देखंतु प्रोजेक्ट आसीस्टेंट, प्रोजेक्ट आसीस्टेंट। तो यार क्वालिफिकेशन है ग्राजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड साइंस, तो यहाँ आपण एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री और वेटरनरी फॉरेस्ट फ्रेशरी, यही थी जो आप करते आपड़ ये जॉबटा पाई पारे। आ सैलरी के 22,000 अच्छी सैलरी है
22,000 ଅଛି, ଆଉ 18 ରୁ 35 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ST SC OBC ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା 10+2 ଦେଖନ୍ତୁ, 10+2 ପାସ୍ ଆଣ୍ଡ କନଭରସାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲୋକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱାର୍କ ସ୍କିଲ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା କେତେ ତାରିଖ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, 30 ତାରିଖ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଏଇଟା 29 ତାରିଖ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା 10+2, ସାଲେରୀ ହେଲା 15,000 ଏବଂ 18 ରୁ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଜ୍। SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଯଦି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ 40 ରୁ 18 ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ମେନ୍ ଓମେନ୍ ଉଭୟ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଜବ୍ଟା ମେନ୍ ଏବଂ ଓମେନ୍ ଉଭୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜବ୍, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜବ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଛି, 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଇନିସିଆଲି ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ତାପରେ ସେଇଟା ରିନ୍ୟୁ ହେବ, ରିନ୍ୟୁ ହେଇ ହେଇ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ନିହାତି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ନୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇ ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇ ପାରିବେ, ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଲାଗିବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପଠାଇବେ, ସେଇଟା ପଠାଇକି ଆପଣ 29-30 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଚାକିରିଟା ପାଇବେ। ତ 29 ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଅଛି, ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯଦି ଜଏନ୍ କଲେ ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇ ଜବ୍ଟା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜବ୍, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନୁହଁ। ତ ସେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା। ତ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନୁହଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜବ୍ରେ କଟିଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ।